बस भाई बस 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 ठीक है भाई भाई पुलिस ओके भाई ओके 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 बस भाई जय श्री राम जय श्री राम। इंस्टा पे टैग कर देना भाई जो ये फोटो ले रहा है भाई। पुलिस वाले डंडा मार देंगे भाई, अड़ जाओ अड़ जाओ। अरे भाई पुलिस वाले डंडा पेल देंगे भाई। भाई अरे भाई जा रहे तो यार भाई भाई जाने दो यार जाने दो यार। ओके बंदों ने भाई मेरे को घेर लिया था, 10 मिनट हो गए भाई घेरे घेरे, और मेरे को लग रहा था भाई अब तो गए। पुलिस वाले जो है लाठी चार्ज करने वाले हैं मेरे ऊपर, क्योंकि बढ़िया भाई बढ़िया। सो ऑलराइट बॉयज, ये है सेकंड पार्ट UK07 और एल्विस यादव को बिग बॉस में सपोर्ट करने के लिए, उसका था ये सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो है आप यूट्यूब पे देख लेना, और सेकंड ये है भाई। फिलहाल जो है मैं निकल रहा हूँ इधर से, क्योंकि भाई मीटअप जो है कैंसिल हो चुका है। भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी, भीड़ इतनी हद से ज़्यादा है भाई, क्या ही बताऊँ, एक्सपेक्टेड नहीं है भाई, इतनी ज़्यादा भीड़ है मैंने लाइफ में जो है पहली बार। क्या हुआ भाई वन मिलियन भाई जब तुम सर्च करोगे ना तुम चौंक जाओगे भाई, छोटा सा चैनल है भाई, उसमें फैन हो आप मेरे, कोई बात नहीं, थैंक यू। BMW नहीं है भाई, स्टिकर है भाई, वो सोक है, 200 रुपये में पूरा सोक हो गया BMW का भाई। कस्टम है ये, डिजाइन करा रखी है भाई हाँ चालू है, आ जाओगे तुम, आ जाओगे इसमें देख लेना, आ जाओगे तुम। सो भाई बंदे ऐसे देख रहे जैसे कितने ज्यादा वो हो। अरे भाई मिलियन होने में टाइम है, अभी मिलियन होने में जो है 9,99,000 कम है बढ़िया ना, कोई बात नहीं भाई, थैंक यू। ओके भाई अलीपुर क्या भाई, व्लॉग्स बनाता हूँ मैं, किसी से नहीं मिला भाई, मैं तो UK07 को देखने आया था। UK07 को पैराडोस को बैंड के अंदर नाम बोल के बेफालतू में कर बंदे ने बिजा दिया ना, ये पूरा बेकार करा दिया मामला यार, लग रहा है बैंड के अंदर 2 बजे चालू कर दिया होगा इन्होंने भाई, क्या पता। और 5 बजे बोल रहा है, समझ में आया नहीं कौन आया कौन नहीं आया, निकल गए सारे। मजा आ गया इवेंट में, मजा आ गया क्या मजा आया, किसको देख लिया, क्राउड ही क्राउड था भाई, और कुछ था ही नहीं इधर यार। ए बाबू राइड विद SDM, ये टैंक पे देख ले, चलो भाई चलता हूँ। ओके आप देख लेना खुद का चेहरा वीडियो में ओके ओके भाई, थैंक यू थैंक यू। सो गाइस जो अभी इधर सारे भाई मिले,
बाबू इसका जैसा वैसा एग्जॉस्ट नहीं है जैसा तू सोच रहा है, बाकी तू रेस देके देख सकता है। हाँ ब्रेक है, हो जाए भाई बिल्कुल हो जाए। मिल मैं खींचू इस समय भाई, टैग जरूर कर देना। ओके भाई ठीक है भाई, थैंक यू। बस भाई बस 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 ठीक है भाई, दूसरी आईडी से दूसरे जीमेल से करने, तो मेरे को टैग कर देना मैं निकल दूँ। बस भाई बस 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 इसमें भी डाल दो, राइड विद एचडीएम छोटा ही चैनल है भाई, ज़्यादा बड़ा नहीं है भाई, खराब हो जाएगा इंजन भाई, इंजन खराब हो जाएगा। इंस्टाग्राम पे किस नाम से ये बता दो, सेम ही नाम से अंडरस्कोर लगा देना, अंडरस्कोर अंडरस्कोर लगा देना। ओके भाई ओके भैया, अरे भाई साहब उनसे ज़्यादा तो फीलिंग मेरे को आ रही है भाई। राइड विद एचडीएम पक्का डालूंगा। ओके भाई ओके 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 बस भाई भाई राइड राइड विद एचडीएम टैंक पे देख लो। चलो भाई मिलेंगे वहीं पे, जय श्री राम जय श्री राम। चलो भाई इंस्टा पे टैग कर देना भाई जरूर। हेलो भाई कैसे हो? भाई ज्यादा बड़ा यूट्यूबर नहीं हो भाई, तुम ही मेरे को बड़ा बना रहे हो। भैया से एक मिनट, इंस्टा पे टैग कर देना भाई जो ये फोटो ले रहा है। भाई तुम मेरे को फेमस कर दोगे, चलो जाता हूँ मैं। अरे भाई साहब इंस्टा पे टैग कर देना ठीक है, इंस्टा पे टैग कर देना। नॉर्मल आवाज साउंड नॉर्मल है भाई, कर लो भाई। कौन सी बाइक है ये? भाई यामा है, बीएमडब्ल्यू नहीं है। आप लोग कौन हो? राइडर? हाँ भाई, भाई पुलिस वाले डंडा मार देंगे भाई, अड़ जाओ अड़ जाओ। जा रहा, आ जाओ जल्दी आ जाओ। ओके भाई भाई पुलिस, अरे पुलिस वाले डंडा मार देंगे भाई। भाई चैनल नेम, भाई चैनल नेम, अरे भाई पुलिस वाले डंडा पेल देंगे। भाई चैनल नेम, नाम क्या भाई आपका? मारेंगे मेरे को, अरे नहीं मारेंगे भाई। भाई रे भाई जा रहे तो यार भाई, भाई जाने दो यार, जाने दो यार। ओके भाई, भाई साहब मुझे लगता है यूके 07 से ज्यादा पब्लिसिटी तो मेरी हो गई। भाई साहब क्या बताऊं,
भाई कदर का सीन हो गया। बंदे जो है भाई फुल एग्जॉस्ट खींच के चल रहे थे, फुल एग्जॉस्ट खींच के भाई गजब का सीन हो गया भाई, गजब का, क्या ही बताऊं। तो भाई अभी सारी गाड़ियां वगैरह जा रही है, उधर बंदों ने भाई मेरे को घेर लिया था, 10 मिनट हो गए भाई घेरे घेरे, और मेरे को लग रहा था भाई अब तो गए, पुलिस वाले जो है लाठी चार्ज करने वाले हैं मेरे ऊपर, क्योंकि भाई पहले से ही मैनेजमेंट बेकार थी, और उनके तो पहले बाद में मार दे, मेरे पहले मार दे भाई, अब बच गया जैसे भी है। उधर वो लड़की कह रही भैया मेरे से फोटो नहीं कराई मेरे साथ, मैंने कहा फोटो का टाइम ही नहीं है वैन, फोटो का टाइम ही नहीं है, पुलिस वाले मिल गए तो पेल देंगे। भाई पूरे में भीड़ हो रखी है, पता नहीं 1 घंटे से भीड़ निकल रही है भाई, 1 घंटे से, और जो अभी भी भीड़ हो ही रही है, जा ही नहीं रही भाई भीड़, और उधर भीड़ में डर था भाई फोन ना निकल जाए, क्योंकि भीड़ इतनी हो रही पता ही नहीं लग पा रहा। और देखो भाई इधर जो है टाइगर करार व्लॉग्स बैठा है, किसी को पता भी नहीं है टाइगर करार व्लॉग्स बैठा है, तो मैं बाइक पे हूँ फिलहाल, इससे मिल नहीं पाऊंगा, और RJ नंबर बाइक से भाई बिल्कुल सही, बिल्कुल बढ़िया। सॉरी भाई सॉरी, सो गाइज मुझे ऐसा लग रहा था भाई अभी मैं निकल के आ रहा था भाई, बंदों ने मेरे को घेर लिया, कोई कह रहा है भैया जय श्री राम बोलो, मैं कहा भाई जय श्री राम, हम तो राम की वानर सेना के बंदर है भाई, जय श्री राम बोलने में हमें कोई शर्म नहीं है। मेरे को लग रहा था ये UK7 एल्विस भाई इनके लिए मीटअप नहीं था, ये तो मुझे लग रहा मेरे लिए मीटअप था। बढ़िया भाई बढ़िया, राइड विद SDM, आओगे भाई आओगे आओगे पक्का आओगे पक्का आओगे, ये सेकंड पार्ट में आएगा, फर्स्ट पार्ट यहाँ का होगा, ठीक है ओके भाई बाय, राधे राधे भाई। भाई साहब इतने बंदे मिल रहे हैं भाई क्या ही बताऊं, इतने बंदे मिल रहे हैं, पहली बार मैं जो है ऐसे भीड़ भाड़ वाले मीटअप में आऊं लाइफ में, पहली बार भाई, इससे पहले मैं आया ही नहीं हूं, और मेरी तमन्ना थी भाई UK07 को देखने की, पर जो है भाई पूरी नहीं हो पाई, हसरत थी भाई सही में दिल से हसरत थी भाई उनके लिए, क्या कुछ करके आज जो है मैं ऑफिस से निकला, पाने वाने मार के भाई ऑफिस से निकला, और जो है ये कांड हो गया, मिल नहीं पाई UK07 से, मिस यू भाई अनुराग दोबाल UK07 भाई, मिस यू मिस यू मिस यू, पर भाई जो भी था इतनी खुशी थी, आप दिल्ली में आए हो और आपने हमें इनवाइट किया, हम आए थे पर बाकी क्या है यार, मैनेजमेंट जो पुलिस वालों ने कोशिश करी मैनेज करने की, पर बाकी लोगों की संख्या इतनी थी भाई, जाहिर सी बात है भाई जहाँ आइटम बम फटेगा वहाँ भीड़ तो होगी ही होगी, तो बस यही था भाई UK07 के लिए थी भाई पूरी भीड़, और एल्विस भाई के लिए, एल्विस भाई के लिए, बाकी जो भी बंदा एल्विस भाई का सपोर्ट में भाई सपोर्ट कर देना, ठीक है दिल से सपोर्ट है भाई दिल से सपोर्ट, जहाँ अपनी मोटो ब्लॉगर कम्युनिटी का बंदा है ना, हम तो भाई उधर ही जाएंगे, कोई जो है ऐसा नहीं है सीन के भाई, जो भी है किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना भाई, हमें तो अपने दिल से वोट देने है भाई, जिसको देना चाहो उसको दे सकते हो, हम तो भाई मोटो ब्लॉगर कम्युनिटी से है, राइडर्स कम्युनिटी से है, तो हम तो सबकी इज्जत करेंगे, और बाकी जो भी रहो काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ था भाई काफ़ी अच्छा, थोड़ा सा दुख ये हो रहा है वो दो बहनों ने बोली कि फ़ोटो खींचनी हमें, और वो बात ज़्यादा कर रही थी यार, वो लड़कियाँ बात, लड़कियों का सीन ये रहता है ना, लड़कियाँ गप्पे ज़्यादा छोकती हैं, तो भाई वो लड़कियाँ गप्पे ही छोक, ये बड़ी अच्छी बात कही आप, रही थी कह रही भैया हमसे बिना फ़ोटो खींचाए जा रहे हो, मैंने कहा बहन इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है, क्योंकि पुलिस वाले आने वाले हैं और जो डंडा पेलने वाले हैं।
अब भाई पुलिस वाले को डंडा खाना था तो बेशक हम यहाँ पे रुक जाते। और इस भाई को देखो, देखने के बाद जो है ऐसा रिएक्शन दे रहा, गजब बात है, सीन तो अच्छा है। A few minutes later. अब गाइस जो है वहाँ से भीड़ भाड़ के चक्कर में मैं निकल तो आया, अब मेरे को नहीं पता जाना कहाँ है। अब जो है मैं इधर कहीं साइड में रुक के लोकेशन डालूंगा, आई थिंक मैं सही लोकेशन पे जा रहा हूँ। ESI हॉस्पिटल रोहिणी का बोर्ड दिख गया मेरे को, तो उसी रास्ते से जो है मेरा कट कटेगा। और भाई जो भी है अपने वीडियो देख रहा है और जो मेरे कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है बंदा, अगर भाई आपने कोई भी फोटो वगैरह क्लिक करी हो अपनी मेरी, जो है मेरे को टैग कर देना, राइड विद SDM, राइड अंडरस्कोर विद अंडरस्कोर SDM, ये जो है मेरा इंस्टा का यूज़र नेम है। सो भाई सभी यही भाई यहाँ पे टेक्स्ट कर देना, मैसेज कर देना, फॉलो कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना। ऐसे ही जो है भाइयों का प्यार देख के आज बढ़िया लगा भाई, कसम मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा, बहुत ही ज़्यादा। एक तो इतने लोगों की भीड़ भाई, लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरे को मौके नहीं मिलते थे भाई मीटअप ज्वाइन करने के, क्योंकि वो ही भीड़ की वजह से भाई। एक भीड़ तो वैसे मेन रीज़न है नहीं भीड़, क्योंकि हमें तो सिर्फ अपने इतने जो चौड़े फुट है उनके लिए दो पैर रखने के लिए जगह चाहिए भाई, मेरे को पूरी ज़मीन से क्या करना, भीड़ का मतलब क्या है मेरा। लो जी थोड़ा सा सही रास्ते पे आ गया, अब आगे से जो है मैं राइट टर्न लूँगा। सो गाइस ऐसा पहली बार हुआ है और आखिरी बार भी हुआ है मुझे लगता है मेरे साथ, मतलब किस्मत इतनी बेकार है भाई। अभी भी गिल्ट फील हो रहा है यार, UK 07, वो UK से बंदा आ सकता है और हम दिल्ली से 20 किलोमीटर आए हैं उसके लिए, वो UK से आया, हम दिल्ली से आए और फिर भी भाई मिल नहीं पाए, अफसोस रहेगा मेरे को इस बात का हमेशा के, युग के भाई के पास जो आए और मिल नहीं पाए भाई, मिस यू भाई, मिस यू। बाकी नेक्स्ट टाइम भाई ज़रूर मिलेंगे, अभी नहीं मिल पाए तो कोई बात नहीं, पर अगली बार ज़रूर मिलेंगे, मौका नहीं चूकेंगे भाई, मौका कती है नहीं चूकेंगे। क्यों कटारिया? हाँ कटारिया कती है भाई, बढ़िया बात बोलिए भाई। गाई वैसे वहाँ से निकलने के बाद ना मैं वैसे तुक्के में जो है दूसरा रास्ता ले लिया, आया किसी और से था, और मतलब उधर मैं आया वैसे इसी रोड से था, मैं इसी रोड से आया था, लेकिन जो वहाँ से ग्राउंड से एडवेंचर आइसलैंड जो है वहाँ से मैं निकला, किसी मैंने ऐसे ही रास्ता पकड़ लिया तुक्के में, मेरे को नहीं पता था मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं, पर मेरे को ये था भाई भीड़ से निकलना है। वैसे तुम्हारा बाइक बहुत कमज़ोर है और पुलिस वालों ने डंडा मार दिया ना भाई, हड्डी टूट जाएगी बिल्कुल। मस्त जोक मारा रे, हंस रे हलकट हंस, हड्डी टूट जाके वो बात अलग है, पुलिस वाले को गऊ हत्या लगेगी, क्योंकि ऐसे नहीं मारते सादे सीधे सादे बंदे को। बाकी भाई उनसे बचने की वजह से जो है कम से कम भाई 20-30-40 बंदे आ गए थे, मेरे को घेर लिया भाई, बाइक के आगे एक बंदा तो भाई बाइक के आगे सामने खड़ा हो गया भाई। भाई इवेंट में बता रहा हूँ जो ये UK 07 के मीटअप में, अभी UK 07 की स्टोरी देखता हूँ बाइक पे चलते चलते थोड़ा सेफ्टी के साथ, क्या बंदे ने लिखा है। अब यार क्या फ़ायदा यार देखने का, लीड तो है नहीं, लीड कानों में नहीं है, बाहर निकली हुई है कान से तो सुन भी नहीं पाऊँगा। चल कोई नहीं भाई, घर जाके सुनूंगा, उसने अनाउंसमेंट तो करी दी होगी कैंसिल है, क्योंकि पुलिस को पता भाई, पता नहीं मेरे को आइडिया नहीं है भाई कितने 5,000-10,000 कितने आदमी, क्योंकि भीड़ कम ही नहीं हुई भाई, अगर कम होती तो आइडिया होता भाई कितनी है, ग्राउंड में अंदर बाहर सड़क पे अलग भाई, दीवारों पे अलग, डिवाइडर्स पे अलग, फुटपाथ पे अलग, बैरियर्स पे अलग भाई, लोग ही इतने भाई, मतलब जगह की कमी नहीं थी और बंदों की भी कमी नहीं थी भाई, भीड़ इतनी थी भाई हद से ज़्यादा भीड़ थी भाई। जो भी हो मज़ा आया सिर्फ मीटअप में, कब जब मैं निकल रहा था तब मीटअप में मज़ा आया भाई, और बाकी कोई मज़ा नहीं आया, क्योंकि हम इधर से उधर दौड़ते रहे, सारे बंदे जो आ रहे अपनी वैसी जो है सिक्का चमकाने के लिए आ रहे थे, सब जो भी फेमस फिगर सारी थी भाई। एक बंदा आया था भाई जो कमांडो लेके आया था अपनी उसमें गाड़ी में, अब मुझे नहीं पता भाई कौन था वो बंदा, बाकी देखा तो लग रहा था पर समझ में नहीं आया भाई बंदा कौन था भाई, कमांडो थे कसम से भाई, कमांडो थे। और भाई मतलब मेरे को यही लगा जो अभी लगा, बढ़िया बंदे को मैं जानता नहीं हूँ क्योंकि देखा नहीं है, बाकी चेहरा थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा था। A few moments later. बाकी एक बात तो है भाई, पब्लिक में दम है, बंदों में दम है, एल्विस में दम है, UK में दम है भाई, सभी में दम है भाई, उनके कहने पे भाई क्या कुछ नहीं हो सकता।
चलो भाई आंटी जी कोई बात नहीं, सॉरी वैसे गलती मेरी नहीं थी, पर कुछ हुआ भी नहीं। अरे भाई रुक जाओ खाम का, फिर क्या हो गया साइड मार दी। हेलो बिल्कुल पिछवाड़े में घुसे रहते हैं, वी 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 रुक जाओ यार, जब देख रहा है आगे जगह नहीं है फिर भी आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब फिर गलती हो जाएगी हमारी। ये बंदा बाइक बाइक ऐसी है, फिर नाम आएगा हमारा। देखो भाई इनका कुछ पता है कहाँ जाना था, कहानी लोकेशन थी इनकी कुछ। भाई ये रास्ता ले लेता हूँ, थोड़ा यहाँ कम जाम मिलेगा, ठीक है उससे तो बढ़िया ही है भाई, अगर सीधा जाता तो फिर जाम मिल जाता मेरे को। और गाइस एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो अभी 15 अगस्त आने वाला है इंडिपेंडेंस डे, तो भाई उस दौरान जब पतंग बहुत ज़्यादा उड़ती है, और हर साल मैं इतने ऐसे केस देखता हूँ, किसी का मुंह कट गया, किसी के होंठ कट गए, किसी का गला कट गया, और जो बंदे हैं सीरियस कंडीशन में भी चले जाते हैं मरने की हालत में, और कुछ तो मर भी गए भाई, क्योंकि जो चाइनीज़ मांझा होता है ना भाई, वो उसमें ना एयर का प्रेशर इतना होता है, क्योंकि पतंग जो है एयर से ही उड़ती है, एयर के प्रेशर से ही जो ऊपर जाती है, और उसमें इतना प्रेशर होता है भाई, इतना प्रेशर होता है जितना एक मेटल ग्राइंडर होता है ना, उससे भी ज़्यादा प्रेशर होता है, और उसकी धार जो है चीरती हुई चली जाती है, हमारी स्किन जो सिर्फ एक पेपर है पेपर। तो भाई हो सके तो जितने भी बंदे बाइक से ट्रेवल कर रहे हैं, एक बार को गाड़ी वालों के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, वैसे कुछ भी नहीं है, वो बंदे सेफ है, लेकिन जो बंदा बाइक से ट्रेवल कर रहा है ना, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई अपने गले में ज़्यादा से ज़्यादा मोटा सामान, गमछा वगैरह जो है डाल के चलो। वैसे मैंने अभी खुद नहीं डाल रखा, क्योंकि सुबह मैं ऑफिस गया था तब मैंने डाल रखा था ज़रूर, लेकिन अभी जो है मैं मीटअप से आ रहा हूँ, तो भाई जल्दीबाजी में मैंने नहीं डाला और गर्मी ज़्यादा हो रही थी, लेकिन मेरी तरह भाई आलस मत करना बिल्कुल भी, गर्मी का धूल का के गर्मी लगेगी मुझे हेलमेट पे, गर्दन पे वापस नहीं हुई तो भाई इस तरीके का बिल्कुल भी लालच मत करना, क्योंकि टाइम किसका ख़राब आ जाए पता नहीं लगता, किसी का भी टाइम ख़राब हो सकता है भाई, किसी का भी। तो गले में गमछा जितना कवर हो सके, सबसे पहले भाई गर्दन को कवर करना है, बॉडी के किसी पार्ट को चाहे पहले कवर मत करो, गर्दन को कवर करो, एंड उसके बाद जो है फुल बाजू। देखो भाई मैं पूरे रूल कुछ भी रूल फॉलो नहीं कर रहा, मैं ना ही मैंने गले में वो डाल रखा, ना ही हाथों में ग्लव्स, और फुल बाजू शर्ट होके भी मैं जो है हाफ में चल रहा हूँ, तो भाई मेरे जैसी लापरवाही मत करना, ठीक है मैं सॉरी बोल रहा हूँ, अगर मैंने नहीं फॉलो कर रखा तो मैं ज़रूर फॉलो करूँगा, पर आप लोगों के ख्याल से बोल रहा हूँ मैं कि भाई जो है गर्दन पे कुछ ना कुछ ढक के जरूर निकलना, नहीं तो भाई दुर्घटना कब किसके साथ घट जाए पता नहीं लगता, पल भर की जिंदगी हो जाती है। और गाइज वैसे थैंक यू सभी लोगों का वीडियोस को प्यार देने के लिए, ऐसे ही जो भाई चैनल पे प्यार बनाए रखो तो हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी भाई आपके लिए जो है और वीडियो चलाने की। सो गाइज अभी के लिए जो है वीडियो को करता हूँ मैं एंड, आप लोगों से मिलकर मीटअप पे मिलकर बहुत अच्छा लगा, वाकई में दिल खुश हो गया, बहुत ही ज़्यादा मतलब एनर्जी आ गई निकलते हुए, एनर्जी आ गई। सो गाइज अभी के लिए मैं वीडियो को करता हूँ एंड, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल एंड राइड सेफ।